आप पाकिस्तान से इंडिया आए हो, राइट? पाकिस्तान से, तो वहाँ पे हैं स्मगलर्स। तो वहाँ पे आपने कितने की परचेज की कनाडा में? आई पिक्ड मोस्ट अनरिलायबल व्हीकल ऑन प्लेनेट अर्थ। सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ भरवाया और सबसे महंगा कहाँ पे मिला आपको? टोटल मिला के $2.50 में पूरी टंकी 82 लीटर की। गॉड, तो 5 रुपए लीटर मिलता है वहाँ पे। अतिथि देवो भवे। लेफ्ट हैंड ड्राइव को इंडिया में ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम आई? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज हमारे साथ में है रेंज रोवर वेलार। ये कोई आम वेलार नहीं है, ये कनाडा से इंडिया बाय रोड ट्रैवल करके आई है। इतनी सारी कंट्रीज से पास करके ये इंडिया में आई है। किसकी ये गाड़ी है, कितने किलोमीटर्स इन टोटल इसने ट्रैवल किया है, क्या फ्यूल लगा है, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी परफॉर्मेंस रही, सब कुछ आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी के ओनर राहुल को बुलाते हैं। प्लीज आ जाइए फ्रेम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया में। Thank और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी प्यारी और लंबी जर्नी ट्रैवल की है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जैसे अगर हम साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे एक पूरा मैप बना रखा है जो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये मैप ना आप इसके रेफरेंस से एक बार जनता को बता दो, जिन लोगों ने पहली बार देखा है कि आप कनाडा से इंडिया आए हो, उनको पता चल जाएगा आप कौन कौन सी कंट्रीज पास करते हुए आए हो, कितना कितना फ्यूल लगा है, कितने कितने टाइम स्टे किया है, कहाँ रुके, कैसे रुके, मतलब सब पता चल जाएगा, एक ब्रीफ मिल जाएगा आपकी ये जर्नी का। मैं रहता हूँ यहाँ पे लंदन ओंटेरियो नाम की एक जगह, वहाँ पे वहाँ से पहले हमने ट्रिप जो है वो ऑफिशियली हमने शुरू किया टोरंटो से। okay. तो मैप थोड़ा सा इनकरेक्ट है जिस हिसाब से हमने ट्रिप किया था। okay. so rather than going by this route, we went through this route. Okay. So first we went to Vancouver. Okay. तो ये सिर्फ हमारा एक प्लान ये था कि पहले अपना देश जो है वो घूम ले, मतलब कि कनाडा पहले घूम ले, उसके बाद में चलते हैं इंडिया। उसके बाद हम वापस आए न्यूयॉर्क होते हुए और फिर मैं पहुंचा हैलिफैक्स। हैलिफैक्स में हमारा वो पोर्ट है जहाँ से कि हमने इसको शिप करवाया। देन वी केम टू यूके। यूके में एक लिवरपूल नाम का पोर्ट है, वहाँ पे हमारी जो कार है वो आ गई, यहाँ पे शिप होके यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम गए स्कॉटलैंड, वेल्स, वेल्स के बाद में इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद में जो अपना यूरो टनल होता है उसके थ्रू आ गए फ्रांस में। यहाँ आने के बाद में जो यूरोप का पूरा ट्रिप वो बहुत ज्यादा वेग रहा, तो मन आया तो इधर पे चल पड़े, मन आया तो इधर पे चल पड़े, तो मैप जो है वो फॉलो नहीं किया हमने। अच्छा। तो पहले इधर उधर घूमे, फिर एक जो मेन टारगेट था वो था टोमाटिनो, जो अपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में, एक वो टोमेटोस का जो फेस्टिवल, जो टोमेटो फेस्टिवल, वहां पे पहुंचना। तो आपने वो एक्सपीरियंस किया? यस, एब्सोल्युटली, वी वर देयर। सो पहले इधर पे घूमे, इधर उधर, कभी इधर पे अपना जो एम्स्टरडेम है वहां चले गए, जर्मनी में चले गए इसकी टेस्ट ड्राइव लेने, जो अपना ऑटोबान है उस पे, फिर घूम के ना नीचे आ गए, स्पेन घूमे। ये जो तीन कंट्रीज हैं ये हमने छोड़ दिए ट्रिप में, बिकॉज अभी जाते टाइम मैं वापस इधर से ही जाऊंगा तो उस टाइम मैं इसको कवर करूंगा। बाकी ये सारे जो कंट्रीज है अप्रोक्सीमेट कवर करते हुए टर्की, ईरान होके एंड देन इंडिया, अपना जो वाघा बॉर्डर है उससे। ओके, आप पाकिस्तान से इंडिया आए हो, राइट? पाकिस्तान से। वाह, that was amazing. Pakistan is like very good in terms of hospitality. Okay. It was amazing experience. अच्छा, अब ये बताओ कि ये कौन सा मॉडल है? ये P380 HSE है। Okay. अपने यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये वाला आता है, तो 3 लीटर V6 सुपर चार्ज है इसमें, 380 हॉर्स पावर। I believe यहाँ पे बंद हो गया, बट वहाँ पे आता है। Year कौन सा है? 2019। यार एक ना, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक चीज मेरे दिमाग में है, जैसे कि पता ही है इंडिया में हमारे यहाँ गाड़ियों पे टैक्स बहुत होता है, बहुत महंगी होती है गाड़ियाँ, तो वहाँ पे आपने कितने की परचेज की कनाडा में? ओके, वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी महंगी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये वाली मुझे पड़ी थी $1,10,000 के आसपास कैनेडियन। तो अगर अभी के रेट के हिसाब से देखें तो 66 लाख रुपए के आसपास। तो हमारे रोड टैक्स होता नहीं है, जो एक शोरूम है प्लस में जो टैक्सीज हैं अपने नॉर्मल, और बाकी जो लाइसेंस प्लेट है उसके आपको $120 देने होते हैं पर ईयर। अपने यहाँ वाला नहीं है कि एक शोरूम खरीद के ना उसके ऊपर आपको 20% और टैक्स भरना पड़ेगा, वो झंझट नहीं है। बहुत सही है, बहुत सही। यहाँ पे गवर्नमेंट लूटती है इस चीज को लेकर, मैं कहूँगा रोड भी अच्छे नहीं है फिर भी रोड टैक्स लिया जाता है, इट डजंट मेक एनी सेंस, और वो भी 20%। That's too much. अच्छा यार, ये जो नंबर प्लेट है, बट ऑब्वियसली हमारे इंडिया की तो है नहीं, तो आपने गाड़ी यहाँ पे भी चलाई है, किसी ने रोका नहीं, पूछा नहीं आपसे कि ऊपर से लेफ्ट हैंड ड्राइव? रोकना मुझे शुरू किया पाकिस्तान से। अच्छा। बट रोकते हैं, रोक के 2 मिनट पूछते होते हैं, हाँ भाई कहाँ से लेके आए हो गाड़ी, अच्छा ये एक बार लाइसेंस दिखा दो। कार के पेपर अभी तक किसी ने नहीं मांगे, बस इतना पूछ के कि हाँ चलो बाहर से हो, ठीक है चलो घूमो। एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, दिल्ली में रोक लिया मुझे, रात को हम पार्टी से वापस आ रहे थे डे बिफोर यस्टरडे, और बहुत ही अंकल मेरे फादर साहब की एज के जो है वो खड़े, तो पूछते कि हाँ भाई कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया कि मैं घूमने आया हुआ हूँ, तो उन्होंने लाइसेंस वापस देते हुए बोले ठीक है भाई घूमो फिर। तो कुछ भी, कोई पेपर नहीं मांगते, कोई मसला किसी भी तरह का अभी तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। मुझे काफी बार बोला गया था कि जो ब्लैक फिल्म है, जो ब्लैक टिंट है इसकी, तो इस पे टिंट नहीं है, पीछे वाले जो है इसके हैं ही ग्लास है ऐसे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी एंड ऑल दैट। एक बार मुझे रोका, वो भी उन्होंने बस इतना बोल के छोड़ दिया कि यहाँ काफी डार्क है, हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों में आते हैं वो कम डार्क आते हैं, बट चलो ठीक है जाओ। तो आपको फॉरेनर समझ के इज्जत दी? यस, इज्जत, अतिथि देवो भवे। तो उसका थोड़ा सा बनता है कि हाँ बिल्कुल, अभी तक किसी ने कोई परेशानी नहीं दी 1%। लेफ्ट हैंड ड्राइव को इंडिया में ड्राइव
करने में कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी टाइप की। देखो आई बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे रूल्स तो वैसे भी नहीं मानते, तो जो ओवरटेक राइट से करना होता है हमें, वो तो मैं इतने दिन से लेफ्ट से ही कर रहा हूँ, बिकॉज जो सेंट्रल लेन है जहाँ पे नहीं चलना चाहिए, ट्रक तो सारे उसी में चल रहे हैं। सो मुझे ज़्यादा फील ऐसा आ रहा है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव होना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, जिस हिसाब से लोग ड्राइव करते हैं, बिकॉज आई एम डूइंग द ओवरटेक्स ऑल फ्रॉम लेफ्ट, सो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छी चीज़ है यार। देखा जाए ना तो फॉरेन मार्केट में रिलायबिलिटी के टर्म्स पे ना इतना रिलायबल नहीं मानते हैं लैंड रोवर को, जितना मतलब लोग ना टोयोटा को प्रेफर करते हैं। आपने तो इतनी लंबी जर्नी कवर करनी थी, तो फिर आपने एक वेलार क्यों चूज किया, आपने कोई टोयोटा का व्हीकल क्यों नहीं चूज किया? ओके, दैट्स फनी। सो जब मैं चलने लगा ना, तो मुझे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आए दैट आई पिक्ड मोस्ट अनरिलायबल व्हीकल ऑन प्लेनेट अर्थ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, हमारी साइड टोयोटा इज ऑन नेक्स्ट लेवल। टोयोटा इज समथिंग लाइक, वो कहते हैं अनब्रेकेबल वाली चीज, बट मुझे व्हीकल में सबसे पहली चीज, इसको लेके मेरा थोड़ा सा एक अलग ओपिनियन है। मेरा ऐसा मानना है कि लैंड रोवर्स में प्रॉब्लम आती है सर्विस में, अच्छे से मेंटेन जब नहीं होती, तो कोई भी व्हीकल जिसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी है वो अनरिलायबल हो सकता है। तो टोयोटा आर बोरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई वुड नॉट गो फॉर टोयोटा इवन इफ दे वर ऑफरिंग इट फॉर फ्री। सो ये व्हीकल मेरे पास ऑलरेडी था, बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके मैंने रखा हुआ है, 82,000 किलोमीटर्स के अराउंड थे इसके ऊपर। सो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि नो मैटर व्हाट आराम से पहुँच जाऊँगा मैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ तक आते हुए टायर में हवा भी नहीं भरवाई मैंने, नो प्रॉब्लम। सो रिलायबिलिटी को लेके अगर आप मुझसे पूछे, मैं कहूँगा अगर आप प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं व्हीकल को, रिलायबिलिटी को लेके इश्यू नहीं आना चाहिए उसमें। अभी आपने अपनी कंप्लीट जर्नी में इसको टोटल कितना ड्राइव कर लिया वैसे? 38,000 से ऊपर। 38,000 से ऊपर यार, मतलब पेट्रोल का थोड़ा बताओ, क्योंकि इसमें आपको ना अच्छे वाला पेट्रोल डलवाना होता है, वो हर जगह पे आपको नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। तो उसकी अवेलेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई इन द वे, हर जगह मिल गया? वो नहीं मिला, सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के थोड़े बहुत एरियाज में। सो यूरोप में पूरे में 95 ऑक्टेन 98 तक भी मिल रहा था मैं आराम से, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ईरान में पहुंचते ही और प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, सो वहाँ से ऑक्टेन बूस्टर जो है वो ढूंढने हमने शुरू किए। बट जितना बताते हैं कि ऑक्टेन बूस्टर आप डालो उससे फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस जो है उसमें डिफरेंस राइट अवे पता चलना शुरू हो गया था, बिल्कुल राइट अवे ऐसे चल रही जैसे टैक्सी चलती है हमने बहुत धीरे धीरे, इवन इफ यू आर प्रेसिंग इट हार्ड इट वॉज गोइंग लाइक सुपर स्लो, एक्सेलरेशन नाम की तो चीज़ ही नहीं थी इस पर। फिर अपने पाकिस्तान में जब आए तो बलूचिस्तान एरिया उसमें कहीं भी अवेलेबल नहीं था। जैसे मेनलैंड जो पाकिस्तान अपना इधर पे आए, जब अपना लाहौर साइड में, उसके बाद से अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस में डिफरेंस इंस्टेंटली दिखना चालू हो गया? बिल्कुल, चाहे जो मर्जी जितना बताएं आपको कि अच्छी क्वालिटी का ऑक्टेन बूस्टर आप डालें एंड ऑल दैट, मैंने दो दो पैक भी इसमें डाले खूब अच्छी क्वालिटी के, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेकार चलती है उसके बाद भी। अच्छा यार, आपने इसको 38,000 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया है, तो मतलब माइलेज का तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा, इस टोटल जर्नी में लगभग कितने की माइलेज निकाली है इसने? ऑनेस्टली ये वो पार्ट है जहाँ पे मुझे माइलेज का आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा ये चल रहा था बस जब खाली हो गया तो भरवा लिया, और फ्यूल का जो रेट है वो इतना ज़्यादा वेरी कर रहा था थ्रू आउट द जर्नी, तो आइडिया ही नहीं हो पाया कि क्या माइलेज आ रही है। एक्चुअली मुझे ये भी पूछना है कि आप इतनी सारी कंट्री से घूम फिर के आए हो, तो वेरिएशन किस हिसाब से मिली, मतलब सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ भरवाया और सबसे महंगा कहाँ पे मिला आपको? ओके, सबसे सस्ता मुझे मिला ईरान में, टोटल मिला के $2.5 में पूरी टंकी 82 लीटर की, तो 5 रुपए लीटर मिलता है वहाँ पे। एंड देयर वर सम पेट्रोल पंप्स वेयर दे आर नॉट इवन चार्जिंग, सो सिंपल, हाँ दे वर लाइक अच्छा बाहर से घूमने आए ठीक है भर लो चलो, एंड भर के ना, और उसके बाद क्योंकि $2 बन रहे थे, दो तीन ऐसे बन रहे थे। Great. सबसे महंगा जो मुझे मिला वो आई बिलीव स्विट्जरलैंड में था, 2.8 यूरोज पर लीटर, दैट वॉज लाइक सुपर एक्सपेंसिव। वो वहाँ पे स्विट्जरलैंड से फ्रांस जब हम जा रहे थे तो मैं कहूँगा कि बुरी हालत हो गई, क्यों, एक तो टोल उनका बहुत ज्यादा महंगा, ऊपर से फ्यूल इतना ज्यादा महंगा। टोल रफली क्या कॉस्टिंग थी टोल की भी? अगर आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं 80 यूरो के आसपास बन गया आपका टोल, 8,000 रुपए के आसपास, लाइक सुपर एक्सपेंसिव, और वो भी सिंगल टोल, सिंगल टोल। एंड एक बार तो ऐसा हुआ कि रास्ते में जो ट्रक स्टॉप होता है मैं उसके ऊपर सो गया, उठ के जब मैं गया उन्होंने बोला कि आपकी जो टिकट वो एक्सपायर हो गई, तो यू हैव टू पे मैक्सिमम अमाउंट। तो ऐसे ऐसे भी दिन गए हैं जहाँ पे दिन का 250-250 यूरो जो है वो टोल हमने भर दिया। So that was the expensive part. Very much expensive. अभी जैसे आपने इसको 38,000 किलोमीटर्स ड्राइव किया है, तो सर्विस वगैरह बीच में कहीं करवाई जरूरत फील हुई? जब हम टोरंटो से निकले, जैसे कनाडा और यूएस घूमने के बाद में टोरंटो से जब इसको शिप करवाना था हैलिफैक्स, उससे पहले मैंने ऑयल चेंज करवाया था इसका, और दूसरा करवाया मैंने स्पेन में। सो दोनों जो ऑयल चेंज है उसके बीच में मोटा मोटी मैंने 10,000 जो किलोमीटर्स है उसका डिफरेंस रखा, जबकि जो कंपनी रिकमेंडेड है दैट इज अराउंड 15,000 आई बिलीव। ठीक है, सो दैट इज द ओनली थिंग आई डिड,
एक बार थोड़ा तोड़फोड़ मैंने दिया था तो वो रिपेयर करवाया, बट दैट्स दैट्स तोड़फोड़ से याद आया, मैंने देखा था आपने बीच में डेजर्ट में ले जाके इसको ऑफ रोडिंग करने की कोशिश की थी, बम्पर्स पे इम्पैक्ट था और रेडार पे इम्पैक्ट था, तो बम्पर तो आपने शायद लोकल मैकेनिक से रिपेयर वगैरह करा लिया था, बिल्कुल ठीक, बट रेडार का क्या हुआ, वो आपने यहाँ इंडिया में आने के बाद चेंज करवाया, बीच में कहीं चेंज करवाया कुछ? मैंने ऑर्डर करने का वो किया कनाडा से, हाँ, फिर हाँ। बाद में मुझे पता चला वो खुल के और अंदर ही गिरा हुआ है, सभी के लिए जो इसका क्रूज कंट्रोल है वो काम नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स शोइंग द एरर कि रडार के सामने कुछ है जबकि नॉर्मली है नहीं, बट मैंने जब टॉर्च मार के देखा तो पता चला वो अंदर ही गिरा हुआ है, सो डे आफ्टर टुमारो की मेरी अपॉइंटमेंट है यहाँ पे अपने गुड़गांव लैंड रोवर में, तो वो खोल के बस उसको पुट करेंगे, बिसाइड दैट कोई ज्यादा डैमेज उसमें हुआ और कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपने एक बार दिखा लिया, विजिट कर लिया ऑलरेडी? हाँ, मैंने खुद ही देख लिया, मैंने वो देख लिया वो प्रॉपर काम कर रहा है, सो उसको उठा के अगर ऊपर रख देते हैं तो प्रॉपर चलना शुरू हो जाता है, नीचे गिरता है तो नहीं चलता। नहीं तो मैं ये भी पूछती कि भाई क्या खर्चा आया अगर आप ऑर्डर किया है सेपरेटली तो ऐसे पार्ट्स का क्या खर्चा? Somebody told me कि ये it will cost somewhat around $5,000 but I'm not sure about this thing क्योंकि मैंने इसका ऑनलाइन रेट अभी देखा नहीं है, बट मैंने लैंड रोवर में किसी से बात की थी and they were like if you broke the radar it will cost you somewhat around $5,000 to fix. चलो be happy ना इतना खर्चा बच गया है। But that was an experience actually, पता चल गया क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, सो नॉर्मली हमें वहां पे ऑफ रोड करने का मौका मिल भी नहीं पाता, सो दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप मिस्टेक्स भी एक्सपीरियंस ही देती है, बिल्कुल सही, मतलब अगली बार आप ध्यान रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इतनी लंबी जर्नी में आपने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, तो वो चैलेंजेस क्या थे आपकी जर्नी में? टोटल दो थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन वेरी लकी थ्रू आउट द जर्नी। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था ईरान में एक कार ढूंढना पेट्रोल का। सो ईरान में प्रॉब्लम क्या है कि जो पेट्रोल मिलता है आपको गैस स्टेशन पे, जो मैंने बोला कि 5 रुपए लीटर, बेसिकली वो इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस पर, तो हर एक जो अपने जो भी वहाँ के रेजिडेंट है उनके पास में एक कार्ड बना हुआ है, वो कार्ड आप लेके जाओ वो लगाओगे तो आपको 30 लीटर मिलेगा। सो शुरू में ऐसा हुआ कि लोगों ने देखा कि भाई बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं, उन्होंने हमें वैसे ही दे दिया वो कार्ड, बट जैसे जैसे पाकिस्तान बॉर्डर की साइड में आए तो वहाँ पे हैं स्मगलर्स जो वहाँ से पेट्रोल 2 रुपए 5 रुपए लीटर ला के पाकिस्तान में 250-300 रुपए लीटर बेचते हैं। सो वहाँ आते आते चीजें बहुत ज्यादा टफ हो गई, अब जहाँ भी हम जा रहे हैं उन्होंने साफ मना कर दिया हम नहीं दे सकते। ये भी बोला कि ओके जो नॉर्मल प्राइस है उसे 8 टाइम्स आप पे कर दो तो हम कार्ड आपको दे देते हैं, अगर आपके पास कार्ड नहीं है देन इट विल बी 20 टाइम्स द प्राइस। सो यहाँ पे बड़ी मुसीबत आई एक बार के लिए, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने हमें भेज दिया यहाँ पे कि पेट्रोल पंप पे जाओ, वो एक पेट्रोल पंप है जिसपे कॉमन उनके पास में कार्ड है, ट्रस्ट मी मैंने इसे 3 किलोमीटर से भी लंबी लाइन थी वहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए। You waited for how many hours? ऐसे ऐसे घूम घूम के गलियों में से, तो फिर वहाँ पे गए और मेरे साथ में मेरा गाइड था, उन्होंने जाके बात की कि टूरिस्ट बाहर से, एंड दे वर सो हम्बल कि उन्होंने मुझे लाइन तोड़ के ना और सीधा जाने दिया, चलो लगा लो आपको इश्यू नहीं है। थैंक गॉड जाके बात कर ली, वरना आई थिंक 3-4 घंटे मिनिमम मिनिमम 3-4 घंटे, इट वॉज लाइक सुपर लॉन्ग, 3 किलोमीटर भी मैंने कम बताया मुझे लग रहा है, इट वॉज लाइक सुपर लॉन्ग, पता ही नहीं कहाँ से होके नजर आ रही थी। सो ये एक मेजर जो चैलेंज है वो रहा। दूसरा एक बार जो ट्रेलर है उसका टायर पंक्चर हो गया था, तो ईरान ने थोड़ा मसला कर दिया इसलिए हम उसको पीछे छोड़ के आ गए, अदरवाइज मेरा प्लान था यहाँ तक लेके आने का। क्या क्या मुसीबत क्रिएट की? वो कह रहे हैं कि इस पे जो लाइसेंस प्लेट है यहाँ पे यूके से मैंने खरीदा था और वो इसको रजिस्टर नहीं करते वहाँ पे, सो उसकी अलग से RC नहीं है, तो सेम जो लाइसेंस प्लेट कार पे लगी हुई है वही उस पे लगी हुई थी, तो ईरान ने बोल दिया इसका कार्नेट अलग से लो और इसके ऊपर लाइसेंस प्लेट होनी चाहिए खुद की। सो वो एक मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको पीछे छोड़ दिया, बिसाइड दैट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गया, बिल्कुल आराम से, पीपल हैव बीन सो नाइस, हेल्पफुल रहे सारी, बहुत ज़्यादा बढ़िया हेल्प मिल गई लोकल्स में, सो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनेस्टली आई थिंक मैं आपसे मिलने से पहले सोच के आई थी कि काफ़ी कुछ आपने हर्डल्स भी फेस किए होंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है ये इतनी लंबी है और वो भी एक कार पे ट्रैवल करना तो काफी हेक्टिक भी हो जाता है, बट आपका एक्सपीरियंस सुन के ऐसा लग रहा है कितना सीमलेस था यार, यूं हो गया, इट वाज सुपर स्मूथ। लोग बोले पार्किंग की टिकट्स मिल जाती हैं, कुछ एक जगह ऐसा भी हुआ कि स्पीडिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा हो गई, सडनली कमेंट्स आने शुरू हो गए जब बॉर्डर आप पार करोगे तो आपको टिकट्स मिलेंगे एंड ऑल दैट, कुछ नहीं हुआ ऐसा, एक सिंगल पार्किंग टिकट तक नहीं मिली और टायर में हवा तक कम नहीं हुई, बिल्कुल स्मूथ गया एकदम। अच्छा ये जो आपने 38
1000 किलोमीटर ड्राइव किया है, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने का आपने फ्यूल फिल करवाया टोटल का आइडिया दे दो, मतलब एग्जैक्टली तो आपको भी नहीं पता होगा। नो आइडिया, कोई भी आइडिया नहीं है। जब ट्रेलर था साथ में तो 20-22 लीटर पर 100 किलोमीटर की भी एवरेज आ रही थी, और साथ में जब नहीं था ट्रेलर तो 8 लीटर में 100 किलोमीटर की भी एवरेज आ रही थी। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्यूल का प्राइस, 2 रुपए लीटर से लेके 250 रुपए लीटर तक बीच में इधर उधर चलता रहा। सो बिल्कुल पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा था, इट वॉज अराउंड 300, बट वो फिर भी बनता है 1 यूरो। सो पाकिस्तानी जो करेंसी है उसमें वो 332 रुपीज है, बट बनता वो 1 ही यूरो है। स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा महंगा था, 2.5-3 जो यूरो है उसका लीटर, सो दैट वाज सुपर एक्सपेंसिव। एक बार आप फिल करने जाओ इसको $250-300। That's expensive. Yeah, that was expensive. तो यार ये आपने अपनी जर्नी के लिए जो अपना प्यारा सा कंपेनियन चूज किया था, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस आपकी तरफ से क्या है, क्या रेटिंग्स दोगे 10 में से इसको? 10/10 मैं कहूंगा, जितना बोला गया मुझे। और मैं नहीं कहूँगा, शुरू में मेरे माइंड में भी थोड़े बहुत डाउट्स थे, क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें कि मुझे भी लग रहा था कुछ ना कुछ फेल हो ही जाएगा। बट जब सारा करके ना और यहाँ तक पहुँचे, तो ऑल आई कैन से इज कि नो मैटर व्हाट ब्रांड यू हैव, अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं, कार्स आर रिलायबल। भाई इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है, थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आने के चांसेज होते हैं, बट बिसाइड दैट 10/10, 1% किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी भी मैं इसको चला रहा हूँ यहाँ, तो अपने रोड भी थोड़े ऐसे हैं, सुपर स्मूथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे लगा था कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई होगी, बट नहीं हुई, तो जेन्युइनली मेरी तरफ से भी 10/10 है इसको। तो यार ये थी आज की वीडियो, जेन्युइनली मैंने बहुत इंजॉय किया ये जर्नी आपके साथ एक्सपीरियंस की, मुझे ऐसा लगा और मेरा खुद का मन कर रहा है कि मैं भी कोई गाड़ी लेके निकल जाऊँ, बट जेन्युइनली मेरे बस की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत ही सारा टाइम चाहिए, और है ना मेंटल जो होता है ना, एक ब्रेकडाउन ना होना चाहिए बंदे में, एकदम वो होना चाहिए कि हाँ करना ही है, वो चीज़ चाहिए, तो शायद वो मेरे में नहीं है। तो आपने किया, बहुत ही अच्छी बात है, मज़ा आया मुझे ये चीज़ सुन के, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से आपको आपकी जर्नी के लिए। अब वापस आप इसी को लेके जा रहे हो ना यहाँ से? अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है, बट म्यांमार जो बॉर्डर है वो बंद है अभी, तो मतलब वापस कार लेके जा रहे हो? यार हिम्मत मानती हूँ मैं बंदे की, एक राउंड यहाँ लेके आ गए, फिर से वापस लेके जा रहे हैं। बाकी अगर आप इनकी कंप्लीट जर्नी देखना चाहते हो ना, तो मैं इनके अकाउंट्स मेंशन कर दूंगी, जाके चेक कर लीजिएगा, एक एक चीज इन्होंने अपने चैनल पे शेयर की है, प्लीज जाके विजिट करिएगा। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती होगी अगली वीडियो में, बाय बाय।